Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue with our previous lecture and create a progress invoice. अब आपको पता है कि progress invoice वो invoicing होती है जो हम किसी milestone या percentage basis पे किसी भी project पे अपने client के साथ करते रहते हैं Last time हमने देखा था कि किस तरीके से एक invoice बनाई जाती है एक estimate के साथ link होके और किस तरीके से उसे परसेंटेज बेसिस पे उसके तमाम आइटम्स को हम किसी भी इन्वाइस पे चार्ज कर सकते हैं और जब भी चाहें हम एक से ज़्यादा प्रोग्रेस इन्वाइस बना भी सकते हैं और जब हमारा काम ख़त्म होने लगे तो आखिरी इनवॉइस पे हम सारी इन्फॉमेसन जो बच गई है तमाम जितने भी हमारा डेटा रिकॉर्ड बचा हुआ है वो सारी हम आखिरी इन पर ले जाएंगे और इस तरीके से हमारा एस्टिमेट और इन्वास कंप्लीट हो जाएगा आज हम देखेंगे कि अगर हम अपनी इन्वास जो हम एस्टिमेट के साथ बना रहे हैं उसके तमाम लाइव आइटम्स के साथ हम अलहदा अलग परसेंटेज देना चाहें तो क्या ये मुमकिन है क्विक बुक्स में ये भी मुमकिन है हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हमारा मटेरियल ज़्यादा लग जाए और लेबर कम लगे और बाद दफ़ा हमारी लेबर ज़्यादा लग जाए और मटीरियल कम लगे इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ जब आप किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाने के लिए खुदाई करते हैं तो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होती है वो लेबर और इक्विपमेंट की होती है क्योंकि आप ज़मीन खोद रहे होते हैं इसमें आपका मटेरियल नहीं लग रहा होता तो जब आप इस सूरत में कोई इन्वाइस बनाएंगे तो वो लेबर एक्सटेंसिव इन्वाइस होगी उसमें आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट और प्राइस लेबर की होगी इसी तरह जब आप ईंटों और सीमेंट के साथ स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर देंगे तो आपकी मेजर जो कॉस्ट है वो आपका मटेरियल हो जाएगा और जब हम कोई इन्वायस अब बनाएंगे तो हमारी मेजर कॉस्ट इस वक्त मटेरियल की होगी और लेबर की हमारी कॉस्ट कम होगी तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस इन वॉइसिंग करते जाए हमारी इन वॉइस के अंदर दिए गए लाइन आइटम्स की परसेंटेज एक दूसरे से फर्क होना शुरू हो जाए आज हम क्विक बुक्स में देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से क्विक बुक्स में सपोर्ट करता है प्रोग्रेस इन वॉइस बनाने में आइए हम अब देखते हैं कि अब हम लाइन आइटम वाइज प्रोग्रेस इन वॉइसिंग कैसे करेंगे फॉर दैट वंस अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एस्टिमेट फर्स्ट फॉर वन ऑफ आर कस्टमर्स यहाँ हमने अपनी क्वान्टीज डाल दी हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हमारे पास हमारा रेट और अमाउंट ये हमारी कॉस्ट है यहाँ हम 25% फाइव परसेंट इनक्रीज़ कर रहे हैं अपनी सर्विस की मार्जिन को और ये हमारी प्राइस है और प्राइस और कॉस्ट में आपको पता है कि क्या फ़र्क है कॉस्ट वो है जो हमारी अपना जो हम खर्चा करते हैं इस काम को कम्प्लीट करने में वो है और प्राइस वो है जो हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को बिल करते हैं अपना मार्जिन और ओवर डाल के ये हमारा तैयार है एस्टिमेट सेव एंड क्लोज बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आर प्रोग्रेस इन वॉयस क्योंकि ये इन वॉयस हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ये एक वक्त में काम नहीं होगा हमने एक से ज्यादा दफ़ा इन्वाइसिंग करनी है अपने क्लाइंट को लेकिन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्टिमेट जैसे ही हम अपना कस्टमर चूज करते हैं फ़ौरन सिस्टम हमसे पूछता है कि इसका एस्टिमेट एक तैयार पड़ा है डू यू वॉन्ट टू यूज दैट हम कहते हैं यस क्रिएट इन वॉयस फॉर द इंटायर एस्टिमेट हंड्रेड परसेंट नो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट परसेंटेज हम इसलिए नहीं परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा लेबर और जो हमारा मटीरियल है उसकी परसेंटेज आपस में मैच नहीं कर रही तो हम तीसरा आइटम चूज कर रहे हैं क्रिएट इन वॉयस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स और फॉर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ये हमारे जो आइटम है उनकी परसेंटेज आपस में क्योंकि एक सिंगल नहीं है तो हम ये काम नहीं कर रहे हम कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें किस परसेंटेज से इस्तेमाल होंगी आप ओके okay करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो उस एस्टिमेट पे थी वो आ गई है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके तीन पार्ट्स हैं पहला पार्ट डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एस्टिमेट के साथ उसमें उस एस्टिमेट उस पे दिए गए क्वांटिटीज और उसका रेट और उसकी प्राइस तीनों हमें नज़र आ रही हैं प्रायर क्वांटिटी अमाउंट ऑफ परसेंटेज में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका अगर पहले से इन बन गई होती या इन से बन गई होती तो उनकी तमाम डिटेल आ रही होती तीसरा पार्ट वो है जिस पे हम ये बताएंगे अपने सिस्टम को कि पहली इन जो हम बनाने लगे हैं उस पर हम क्या क्या क्वांटिटीज या परसेंटेज डालें सबसे पहला ये है कि हमारी जो कैबिनेट पोल्स हैं साथ उसमें से हम पहले में चार इस्तेमाल करेंगे और डोर फ्रेम हमारा सिर्फ एक इस्तेमाल हो पाएगा और इंस्टॉलेशन की जो परसेंटेज है हमारी वो हम अपने परसेंटेज से सेट करेंगे और वो हम कहेंगे कि हमारा थर्टी थ्री परसेंट काम इसी वक्त कंप्लीट हो जाएगा जब हम पहली इनवॉइस करेंगे दो आइटम्स हमने जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्वांटिटी देके कंप्लीट किए हैं और एक आइटम हमने परसेंटेज देके कंप्लीट किया है और जैसे ही हमने वो डाला हमारे पास इस पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने सिस्टम में डाली है उसका रेट जो हमने दिया हुआ था पहले और बेस्ड ऑन दैट रेट अमाउंट आ गया है तो पहली हमारी जो इन्वाइस बन रही है दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अब आप देख सकते हैं सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमारी इस इन्वायस की तीनों लाइन आइटम की जो परसेंटेज है वो फ़र्क है और यही वो हमसे पूछ रहा था कि आप ऐसी कोई इन्वायस बनाना चाहेंगे जिसके तमाम लाइन आइटम्स के जो परसेंटेज हैं वो फ़र्क हो तो हमने कहा था हाँ बिल्कुल बनाना चाहेंगे और वही हमने किया है कि हमने ये अपनी जो इन्वाइस बनाई है उसके तमाम लाइन आइटम्स की जो परसेंटेज है वो फ़र्क हमने रखी हुई है और ये आमतौर पे प्रैक्टिकल जो हम काम करते हैं वो भी इसी तरीके से होता है इसको हम ओके okay करते हैं तो हमारे पास जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी बेस्ड ऑन दैट हमारी पहली इन बन के आ गई है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको अपने मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं और अगर आपको इस वक्त भी कोई इसमें तबाहत नज़र आ रही है तो आप इसमें ये वाला टेम्पलेट इस्तेमाल करें प्रोग्रेस इन वॉइस इसमें वही इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ नज़र आ रही थी आपकी स्क्रीन पे इधर भी नज़र आना शुरू हो जाएगी एस्टिमेटेड प्रायर जो हमने एस्टिमेट की थी अमाउंट परसेंटेज पहले क्या हो चुकी है क्वांटिटी क्या है आप चाहें तो यहां उसे भी चेंज कर सकते हैं और दूसरे को फोर कर दें तो हम इस स्क्रीन को भी बेस्ड ऑन आर टेम्पलेट हम यूजेबल बना सकते हैं और यही अपनी सारी इंफॉर्मेशन और काम कर सकते हैं जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ये पहली इन्वॉइस हमारी तैयार है तो हम इसको करेंगे सेव एंड क्लोज याद रहे दिस वाज बेस्ड ऑन आर एस्टिमेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट और जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है जो चीज़ मैं बार बार बताना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस इन वॉयस इन दिस पर्टिकुलर केस वॉट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग डिफरेंट परसेंटेजेस फॉर डिफरेंट लाइन आइटम्स तमाम लाइन आइटम्स जो है हमारे उसकी परसेंटेज फर्क है 33, 14 और 57 इसे हम कहते हैं सेव एंड क्लोज अब हमारे पास पहली इन बन गई है आइए हम देखते हैं कि इसको कंप्लीट कैसे करेंगे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ज़रूरी नहीं कि हम दो ही इन्वाइस में ये कम्प्लीट कर लिया करें लेकिन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसमें एक से ज़्यादा इन्वाइस बना सकते हैं जब तक कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता लेकिन क्योंकि ये छोटा सा प्रोजेक्ट था इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन टू इन्वाइस अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने अपना वो एस्टिमेट इस्तेमाल करना वी से यस ओके और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अब जो हम वो हमसे सवाल करेगा वो करेगा क्रिएट एन इन वॉयस फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द एस्टिमेट पहली दफ़ा जब करता है तो वो कहता है कि क्या मैं ये इन वॉयस हंड्रेड परसेंट ऑफ़ द एस्टिमेट बना दूं अगर आप पार्शली बनाएंगे तो वो हमसे दूसरी दफ़ा ये सवाल करेगा डू यू वॉन्ट टू क्रिएट द इन वॉयस फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द एस्टिमेट तो हम कहते हैं यस yes, ओके okay. और जैसे ही हम करते हैं हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट की तमाम चीजें हमारे इन में ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो इन की हुई है या इन की हुई हैं उसमें हमने क्या क्या अमाउंट्स उससे पहले क्लेम कर चुके हैं और ले चुके हैं ये हमारी वन सकेंड एज यू नो कि हमारी ओरिजिनल एस्टिमेट था और प्रायर क्वांटिटीज और अमाउंट्स और परसेंटेज वो हैं जो हम पिछली इन में उससे क्लेम कर चुके हैं और क्योंकि हमने उससे कहा था कि इस पर्टिकुलर तुम इन में तमाम चीजें जो है कवर कर लो और कंप्लीट कर दो तो उसने तमाम इंफॉर्मेशन जो कि लेफ्ट आउट थी वो अब यहां डाल के ये कर दी है। और फाइनल टोटल में आपको नजर आ रहा है हंड्रेड परसेंट इसका मतलब है कि इसे हम ओके okay कर देते हैं अब आपकी स्क्रीन पर जो चीज आ रही है वो कंप्लीटेड इन है फॉर अ गिवन एस्टिमेट लेट सेव एंड क्लोज अब हमें पता चला कि हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं अपनी इन को कंप्लीट करने के आधर वी गो थ्रू डिफरेंट परसेंटेज और वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट क्वांटिटीज एंड परसेंटेज फॉर डिफरेंट लाइन आइटम्स इन कंक्लूजन अब हमें पता चल गया है कि प्रोग्रेस इन किस तरीके से हम अपने क्विक बुक्स में कर सकते हैं तो हमारे पास एस्टिमेट क्रिएट करने की भी ऑप्शन मौजूद है और बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट के दौरान हम जितने भी इसके ऊपर एस्टिमेट के ऊपर बेस करके इन्वाइस निकालना चाहें क्रिएट करना चाहें जनरेट करना चाहें हम कर सकते हैं सिस्टम हमें पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्राइस बताता है हमें यह बताता है कि कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया कितने आइटम इस्तेमाल हो चुके हैं कितनी प्राइस और कितनी अमाउंट हम क्लेम करके अपने पास ले चुके हैं और कितना काम बाकी है ये तीन ही चीज़ें होती हैं जो भी किसी भी प्रोजेक्ट पे चलती हैं कि असल प्रपोज़ल क्या थी नंबर टू अब तक हमने कितनी इन्वाइस करके कितना उनसे अपने फंड्स वापस ले लिए हैं और तीसरा पार्ट के वर्क टू बी डन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कितना काम बाकी बच गया है तो ये प्रोग्रेस इनवॉइसिंग आपको न सिर्फ इनवॉइसिंग में मदद दे रही है बल्कि आपके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में भी आपकी मदद करती है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच